हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई को नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले इसकी वॉल्यूम कम करती हूँ थोड़ी, क्योंकि सब बच्चे ना काम कर रहे हैं म्यूजिक सुनते सुनते। बेटा अभी अपने हेलीकॉप्टर को मत उठा, अभी काम कर रहे हैं, अभी रुक जा। और एक ये देखो ऐसे चलाता है गाड़ी। आंगन में आया था ना जब, तो रोज गिरा देता था साइकिल, चोट लगती थी। अब तो अपने आप मोड़ काट लेता है, परफेक्ट बन गया वो तो। नहीं यार को परेशान कर रहा है, काम भी नहीं करने दे रहा, थोड़ा सा बचा है। क्योंकि आज हमें ना अपना आंगन धो रहा है, ये आंगन है पूरा, तो आज इसको हम धो देंगे। क्योंकि अंदर सारा जगह पेंट हो गया, आपको दिख रहा होगा अब तो कितना साफ साफ लगता है, ये देखो। लेकिन अभी थोड़ा सा मिस्त्री विस्त्री लग रहे थे ना, तो काम कर नहीं पा रहे थे सफाई वाला, तो आज इस आंगन की सफाई हो जाएगी। यहाँ पे वही आराम से गिराएगा, यहाँ सफाई करने लग रही है सारे के सारे। बस ये जो दो कमरे हैं इनका काम अधूरा रह गया है। एक ही कोट पेंट हुआ है, अभी एक बार और होगा, चक्की फिट हो गई। मान गया, मेरे ऊपर भी खिला रहे हैं साइकिल। और यहाँ पे भी बस इनके दरवाजे चढ़ाने हैं, और आज सफाई का काम बाहर का। मेरे पापा भी आ गए पजामा वजामा समा के, अब पापा लगेंगे, झाड़ू वाड़ू ले आया, आज हमें पूरा खींचेंगे। मशीन भी चल रही है साथ ही साथ, झाड़ू लगाने का काम मिल गया है हनी को। पापा पानी डालते जा रहे हैं, हनी झाड़ू लगा रही है, मेरे को भी लगानी पड़ेगी। ला पुट्टू मेरे को दे दे, मैं लगाती हूँ। हनी और पुट्टू दोनों थक गई थी, तो फिर मैं लग गई झाड़ू लेकर। इनसे इतने अच्छे से साफ हो भी नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी सीमेंट और बहुत सारी धूल लगती थी। और पापा है वो पानी डालते जा रहे हैं, मैं फिर फटाफट जा रही थी नीचे। देखो फट के ऊपर कितने धूल मिट्टी और सीमेंट वीमेंट जमी हुई है, तो हम सारे घर वाले लग गए। और हमारी पूरी सफाई हो गई आंगन की, पूरा आंगन मेरे पापा मैंने हनी ने हमने सब ने धो दिया, और झाड़ू भी लगा दिया। ये देखो कितना साफ साफ लग रहा है, नहीं तो दिख नहीं रहा था। अब अच्छा लगेगा घर कुछ साफ साफ सा। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, गर्मी भी लग रही है। यहाँ पे मम्मी चने साफ कर रही है, मिट्टी निकाली है, मिट्टी के अंदर दाब रखे थे। कितने साल पुराने मम्मी? डेढ़ साल, दो साल हो जाए। दो साल पुराने चने को मिट्टी के अंदर डालना पड़ता है, नहीं तो नहीं इनमें घुन लग जाता है। आप देख लो बिल्कुल नए के नए हैं। कर रहे हैं बच्चे काम, जब से आई हूँ ना जब से तो काम ही काम, खत्म ही नहीं होके दे रहा काम। अब कल मिट्टी डाली थी कमरे के अंदर, आज उस कमरे के अंदर से मिट्टी निकालनी है। यहाँ पे बच्चे लगे पड़े हैं, दिखाते हो ये देखो, छोटे छोटे बच्चे काम करने लग रहे हैं, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। हनी भी कर रही थी, अभी पता नहीं वो कहाँ गई है, कल मिट्टी डाली थी, आज ये मिट्टी निकाले। मिट्टी इसलिए डाली थी क्योंकि फर्श बहुत ज़्यादा गिल्ला है, और है ना अब दिन रह गए कम, फर्श को सूखना बहुत ज़रूरी है। और गिल्ला रहेगा ना तो फिर आगे जाके दिक्कत रह जाएगी, तो सीमेंट का पानी चूस लिया इसने मिट्टी। ए बेटा फर्श को मत तोड़, ऐसे कर रहे हैं। ये चौक सूख गया, अच्छा लग रहा है अब साफ। हनी नहा ली है, अभी यही कर रही थी, अब फिर बीच में ना राउंड मार गई, अब आ गई क्योंकि पुट्टू नहाने लग रही है ना, तो जब तक पुट्टू नहीं आएगी ना ये भी नहीं करेगी। और पुट्टू बेचारी सुबह 7 बजे उठ के काम करने लगती है, और ये 9 बजे उठती है। 9 का भी 10 बजा दूँ, देख लो इतने काम चो रहे हैं। अब ये मेरे को ही करना पड़ेगा, इनसे तो होगा नहीं, मैं करती हूँ। मुझे पूरा लेना तो माटी। हाँ मेरे को पता है। नहीं सही है, बच्चे कर देंगे, है ना बच्चों? हाँ देंगे। ये हेल्प कराओगे? हाँ माँ। अच्छा जी, कराओगे डांस? लो। मुझे फिर उस दूसरे कमरे का भी कर दिया। कर देंगे। हाँ ठीक है, कर दे। हूँ मैं। हनी लेके आई है चाय बना के, इसको खुद पीनी, इसको खुद पीनी थी, मेरे लिए नहीं लेके आई है। तो मैंने पूछी थी बनारस पहले, मुझे पीड़े मैंने बोला हाँ पीड़े, तो मुझे क्यों बना लेती है? ततैया कुछ नहीं कहता, ततैया से भी डर लगता है, चलो पी लेते हैं। तो चाय पीनी पड़ेगी इसके हाथ की, पता नहीं कैसी चाय बना के लाए। ओ रोज तो बढ़िया बना के लाऊं, क्या है बहुत बढ़िया बनी चाय। चाय बना के आ रही है मम्मी।
जिसको देनी है दे दो, हम तो बैठ के पी रहे हैं भाई। देनी है? चक्की नहीं चलाई जा रही। ए, मेरी चाय ना भी फिर जाए, ध्यान रखियो। अब चक्की चलाने का जुगाड़ बताते हैं। स्विच बोर्ड लगा दिया तो अब मैं इसमें पेंसिल घुसा देती हूँ। ले मम्मी घुसा ले अब इनके अंदर। नहीं चला। मम्मी इन कोचरों में घुसा देगी। कोचरे उसी तो करने ही। क्यों ना घुसी ले, मैं घुसाऊ बढ़ चढ़ाई जाएगा। तो बोर्ड लग गए, अब देखो चाय बैठ के पी रही है। चक्की बंद हो गई मम्मी के देख के आते हैं। हम मिट्टी उठा उठा के हम डाल के आ रहे हैं और कमरे में झाड़ू निकाल दी, साफ हो गया। और मैं तो अभी झाड़ू निकालने लगी हूँ, उस साइड मम्मी लगी हुई है। अबू जी बाहर झाड़ू निकालने लगी, निकाल दे बुजी ने बाहर, सुबह भी निकाले सब वापस निकाल दे बुजी ने। इधर माँ ने निकाल दे झाड़ू, कमरा एकदम साफ हो गया। आइए ये कमरा इधर भी साफ हो गया। गर्म झाड़ू निकाल दिया, निकाल ही दी। मैं माँ को बरोटी उठवाने आई थी, मैंने माँ को बरोटी उठवा दी है। माँ जा रही है बरोटी लेके। इतने बड़े खेत में मेरे को ढूंढना मुश्किल हो गया था माँ कहाँ पे है, लेकिन अब मैंने उठवा दी है। माँ जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। बुज्जी घर पे ही रह गई, बुज्जी को बुलाया था लेकिन मैं आ गई। तो माँ से ली कि मैं पीछे ही रह गई वीडियो बनाते बनाते। माँ तो घर पे भी पहुँच गई और सब मेरे को आवाज़ दे रहे, हनी कहाँ रहेगी, हनी कहाँ रहेगी, हनी तो वही पीछे रहेगी। इसलिए पीछे रह गई कि मैं अब आ रही हूँ। माँ तो अंदर पहुँच के काम भी करने लग गई। बुज्जी क्या करिए लेकर अंदर, तो जाके देखते हैं। अरे बुज्जी क्या करिए, मैं घर जाऊँगी नहीं। यहाँ पे वहाँ पर देखो कितने सारे सब्जियाँ वो रखी है। ये प्याज है, पता नहीं क्या क्या वो रखे हुए, खुद को नहीं पता। अरे टमाटर इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन ये तब भी छोटे छोटे टमाटर है। यहाँ पे टमाटर तो हो ही गए लेकिन छोटे छोटे है, वो बड़े हो जाएंगे जब यहाँ से तोड़ तोड़ के खाया करेंगे। यहीं पे बैठ कर टमाटर को बस तो मैं आ गई हूँ। लेकिन बुजी पोचा यहाँ पे रखा है, शायद पोचा लगा रही बुजी अंदर, पता नहीं चलो देखते हैं। अरे पंखा चला रखा है, अरे बुज्जी छड़ दिया पंखा, ये ओके कॉम्बिनेशन है। अरे पोचे लगाए जब मोजी मोजी इधर गर्मी ला गई जब पंखा चला के बैठी है। अच्छा ठीक, सारे में लगा दिया पोचा, ठीक है भाई। और इतना मोटा मूला, सही बात है, पकड़ के दिखा दोनों हाथ से खींच तेर से नागे से। ये भी देखो खेतों में घूम रहे हैं हम। अब जी बना रही है रोटी, रोटी की सब्जी बना दी है बुजी। फिर सब्जी क्या बनाई है, तो आज बनाई मैंने सुबह वाली है आलू वाली। आलू ठीक है, वो भी बढ़िया बनी थी, वो खाऊंगे हम तो। वाह देख मिर्ची दार आया था एकदम मस्त। हाँ खाई थी ना सुबह, मिर्ची दार थी। हाँ तो यही सब्जी खाई आज भी। और अब हम सोने की कर रहे हैं तैयारी सारे के सारे। और गोलू भी बाय बाय बोल दे अब, ये इसकी कोई राम कहानी है नहीं, तू बोल दे बाय 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 बाय। उधर हमारा मुन्ना भी सो रहा है, बाय बाय बाय।